Hello everyone, welcome back to my channel. It's story time और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक मंकी की स्टोरी सुनेंगे? No. फिर आज हम एक लायन की स्टोरी सुनेंगे? No. I think आज हम एक माउस की स्टोरी सुनेंगे? No. आज तो हम सुनेंगे शार्क्स की स्टोरी। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले let's all sing the story song. It's story time. It's story time. Time to have some fun. It's story time. It's story time. Let's all have some fun. Yay! Let's get started. आज की हमारी स्टोरी का नाम है There's a shark in the bath. और इसे लिखा और beautifully draw किया है Sarah McIntyre ने। Oh wow! ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम किसी के बाथरूम में आ गए। और ये कौन है? ये तो एक छोटी सी गर्ल है जिसका नाम है डल्सी। हेलो डल्सी, हाउ टू डू। एक सुबह डल्सी ने नोटिस किया कि अरे ये टब में तो कल रात का पानी भरा हुआ है जिस पानी से मैं नहाई थी। लगता पापा इस पानी को बहाना भूल गए। तो सुबह आते आते ये पानी तो एकदम ठंडा, बिल्कुल साबुन से भरा और गंदा भी हो गया। छी छी। लेकिन इस गंदे पानी के अलावा डल्सी ने कुछ और नोटिस किया। अरे ये क्या चीज है बच्चों? ये तो है एक बड़ी सी पूंछ। एकदम से डल्सी इस पूंछ को देखकर चिल्लाए, शार्क, शार्क, मेरे बाथरूम में शार्क। जब डल्सी चिल्लाती हुई नीचे भागती हुई आई अपने मम्मा पापा के पास, तो मम्मा तो हंसते हुए कहने लगी, अरे बेटा कोई बाथरूम में कभी शार्क होता है? हाँ, अब तुम मुझसे ये कहोगी कि तुम्हारे सीरियल के बोल में एक हाथी बैठा है? हाँ, बेकार की बातें मत करो डल्सी। पापा ने भी पीछे मुड़कर देखा डल्सी की तरफ और आंखें घुमाते हुए कहने लगे, अच्छा जी शार्क है आपके टब में तो जाइए, जरा उनको बाहर निकाल दीजिए। चलो चलो जाओ डल्सी। तब पापा की बात मानकर भागी डल्सी ऊपर अपने कमरे में और बाथरूम में जाकर श्यूं करके उसने एक रस्सी फेंकी टब के अंदर और बाहर निकाला तो देखा, ओह माय गॉड, ये कौन है? ये तो एक पापा शार्क है। और पापा शार्क बाहर निकलते ही कहने लगे, हेलो बेटा जी, कैसे हो? पापा शार्क के पानी से बाहर निकलते ही मम्मा शार्क भी आ गई और मम्मा शार्क के बाहर निकलते ही बेबी शार्क भी आ गया। अपने बाथ टब में इतने सारे शार्क्स को देख के डल्सी तो डर गई और उसने कदम पीछे किए और डरते हुए कहने लगी, क्या क्या आप सब मुझे खा जाओगे? तब पापा शार्क ने डल्सी से कहा, हाँ बेटा जी बिल्कुल बिल्कुल खा जाएंगे आपको। और मम्मा शार्क कहने लगी, हाँ बेटे ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चला ना। और बेबी शार्क कहने लगा, मम्मा जरा मुझे केचप तो देना। फिर बेबी शार्क ने डल्सी से कहा, लेकिन हम आपको खाएं उससे पहले सर ये तो बताना कि ये क्या चीज है। तो डल्सी ने कहा, ये है टूथपेस्ट। फिर डल्सी के दिमाग में एक आइडिया आया, टिटिंग। फिर चलकर देखें डल्सी मैडम ने सारे के सारे शार्क्स के साथ मिलकर क्या किया। लेट्स गो एंड सी। ये है शार्क टुरु टुरु टुरु, ये है शार्क टुरु टुरु टुरु, ये है शार्क टुरु टुरु टुरु, ये है शार्क मेरे टब में टुरु टुरु, मेरे टब में टुरु टुरु, मेरे टब में टुरु टुरु, ये है शार्क। तब स्माइल करते हुए डल्सी कहने लगी, हमें ना एक गेम खेलनी चाहिए और उस गेम के लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट और उस गेम का नाम है ब्रश डी ब्रश। और आप लोगों के पास तो इतने सारे दांत हैं, आपको तो खूब मजा आएगा। चलो मैं बताऊं कैसे खेलते हैं ये गेम। तब डल्सी ने सारे के सारे शार्क से कहा, चलो अब सब के सब मिलके अपना मुंह खोलो। आ, तो छोटे बेबी शार्क ने भी अपना मुंह खोला। आ, और डल्सी ने सारे शार्क्स के दांत ब्रश करने शुरू किए। ब्रश टी ब्रश, ब्रश टी ब्रश, ब्रश योर टीथ लाइक दिस। Brush it, brush, brush it, brush, brush your teeth like this. ये brush it, brush वाला गेम खेल के सारे शार्क्स को इतना मजा आने लगा कि वो तो जोर जोर से हंसने
लगे। इतनी देर में अचानक से पापा शार्क की आवाज आई और पापा शार्क कहने लगे, चलो बेटे अब टाइम हो गया। अरे भाई टाइम हो गया तुमको खाने का। ये बात सुनते ही डल्सी ने जोर से अपना पैर जमीन पे दे मारा और वो कहने लगी, अरे लेकिन आप सबने तो अभी अभी अपने दांत ब्रश किए हैं। तो मम्मा शाक कहने लगी, तो बेटे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और बेबी शाक कहने लगा, मम्मा मेरा पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तब डल्सी ने अपना सर हिलाया और कहने लगी, रुको रुको रुको, अरे भाई आप लोग मुझे खाओ, उससे पहले एक और गेम खेलते हैं और उस गेम का नाम है विजिटी पिच और इसमें भी बड़े मजे आते हैं। और ये बोलकर उसने पिंक रंग की बोतल सारे शार्क्स को दी और फिर उस बोतल को पिचका दिया। तब डल्सी कहने लगी, अगर कोई एक चीज है जो सारे शार्क्स को खूब पसंद आती है तो वो है बबल्स। बड़े बबल्स, छोटे बबल्स, खूब सारे बबल्स। तब मम्मा शार्क कहने लगी, अरे देखो, अरे सुनो जी देखो, अपने आप को तो देखो। तब पापा शार्क कहने लगे, हाँ भाई देखो मुझे देखो। और छोटा बेबी शार्क कहने लगा, नहीं 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 मुझे देखो मुझे देखो। थोड़ी ही देर में पापा शार्क के दांतों के बीच में से एक आवाज आई और उस आवाज ने जोर से कहा, चलो भाई बहुत हो गया, अब तुमको खाने का टाइम हो गया बेटे। फिर मम्मी शार्क भी कहने लगी, हाँ भाई देखो जी इतना शैम्पू करके सुंदर बन के ना स्टाइलिश लग गया, मुझे तो भूख लग रही है बड़ी तेज। और बेबी शार्क कहने लगा, बहुत ज्यादा यम्मी लग रहे हो डल्सी जी, मेरा मतलब डल्सी जी। फिर डल्सी कहने लगी, अरे रुको मेरे पास एक और गेम है जिसका नाम है हैप्पी रैपी अप्पी गेम। ये देखो टॉयलेट रोल को खींचो ऐसे करके वोइंग वोइंग वोइंग। तब बेबी शार्क कहने लगा, प्लीज मुझे खेलने दो ना। तब मम्मा शार्क कहने लगी, अच्छा चलो एक और गेम बेटे, हाँ बस बेटे। और पापा शार्क भी कहने लगे, हाँ जल्दी करो बस बहुत हो गया अब। फिर चलकर देखें डल्सी मैडम ने सारे के सारे शार्क्स के साथ मिलकर क्या किया। लेट्स गो एंड सी। ये है शक चुरु चुरु चुरु, ये है शक चुरु चुरु चुरु, ये है शक चुरु चुरु चुरु, ये है शक मेरे टप में टुटुरु टुरु, मेरे टप में टुटुरु टुरु, मेरे टप में रुटुरु टुरु, ये है शार्क्स। अब इस गेम में तो सारे के सारे शार्क्स को फिर से बहुत मजा आने लगा। सारे शार्क्स ने खूब सारा टॉयलेट रोल ऐसे करके खींचा, वेंग 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 वेंग। सारे शार्क्स एक दूसरे में टॉयलेट पेपर में बिल्कुल उलझ गए। और इतनी देर में एक आवाज आई सबको, ये तो दरवाजे पे कोई खटखटा रहा था। और ये आवाज सुन के सारे एकदम चुप हो गए। अरे ये तो पापा खड़े हैं बाथरूम के बाहर। तब बाथरूम के बाहर से पापा ने आवाज लगाई और कहा, डल्सी बेटे सब ठीक तो है ना अंदर। तब डल्सी ने कहा, हाँ हाँ पापा सब बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो नो नो। फिर पापा ने कहा, चलो अच्छी बात है बेटे, लेकिन अब मैं अंदर आने वाला हूँ बस एक मिनट में। और मैं अंदर आया और मैंने बाथरूम गंदा देखा, तो फिर देखना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे डल्सी। फिर बेबी शार्क ने धीमी आवाज में पूछा, ये कौन है? तो डल्सी कहने लगी, ये तो मेरे पापा है। तब तीनों शार्क्स ने एक साथ बोला, अरे बचाओ 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 डल्सी के पापा से बचाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना, नो 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 नो। तब डल्सी ने तीनों शार्क्स की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक लास्ट गेम खेलनी पड़ेगी जिसका नाम है स्पिक एंड स्पैनी गेम। अरे वाह, ये तो सारे के सारे शार्क्स ने मिलके बाथरूम को ऐसे साफ किया कि वो तो चमकदार हो गया कुछ इस तरह। क्लीन योर बाथरूम, क्लीन योर बाथरूम, क्लीन योर बाथरूम लाइक दिस, स्प्लिश एंड स्प्लैश, splash and splish, clean your bathroom like this। जैसे ही सबने मिलकर बाथरूम की सारी सफाई करी तो दरवाजा भी खुलने लगा और दरवाजे का हैंडल भी नीचे होने लगा। और ये कौन आया? अरे ये तो पापा अंदर आने वाले थे।
और ये आवाज सुनते ही पापा शार्क घबराए और उन्होंने बोला, चलो भाई सारे मिलके वापस समंदर में चलो बेटे। जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर से ये कौन निकला? ये तो हंसती हुई डल्सी बाहर आई और कहने लगी, देख पापा मैंने सारा काम कर लिया। तो पापा कहने लगे, चलो अच्छी बात है बेटा, फाइनली काम हो गया आपका। फिर जैसे ही डल्सी नीचे आई तो मम्मा ने डल्सी की तरफ देखा और कहा, चलो बेटे अब अपना खाना खाइए और अब खाने से नहीं खेलना, ठीक है ना? तो डल्सी कहने लगी, हाँ हाँ मम्मा नहीं खेलूंगी। जैसे ही डल्सी डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना सीरियल खाने के लिए तो उसे एक आवाज आई सीरियल के बोल में से, कुड़च 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 करते हुए। और ये कौन बाहर निकला? ये तो एक हाथी आ गया। और हाथी जी बाहर निकले और डरते हुए पूछने लगे, क्या आप मुझे खा जाओगे? अरे बाप रे, लो बच्चों अब हाथी जी निकला है सीरियल में से, लो पहले शार्क जी निकला है बाथटब में से, अब हाथी निकला है सीरियल में से। लगता है आज तो डल्सी को खूब मजा आने वाला है। अरे अरे अरे, ये शार्क सारे के सारे कहाँ से निकल आए बच्चों? देखो जरा, ये सारे शार्क तो बाथरूम की पाइप से निकलते हुए बाहर समंदर में चले गए। वाओ! तो बच्चों जरा ये तो बताइए, क्या आपके बाथरूम में से भी शार्क निकलते हैं और सीरियल के बोल में से हाथी? बताइए बताइए ना। ये है शक चुरु चुरु चुरु, ये है शक चुरु चुरु चुरु, ये है शक चुरु चुरु चुरु, ये है शक मेरे टप में टुटुरु टुरु, मेरे टप में टुटुरु टुरु, मेरे टप में रुटुरु टुरु, ये है शक। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।